सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण हैं, कर्म से भ्रष्ट हैं, व्यापार करते हैं, शराब भी पीते हैं, वेश्यागमन भी करते हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास किया उनको ठग भी लेते हैं, कईयों की हत्या भी कर देते। दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, पैसा। हर व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति की शक्ल अलग अलग होती है पर अकल भी अलग अलग होती है। शक्ल और अकल माने दिमाग, सब अलग अलग होते, एक सा नहीं होते। एक सा हो जाए तो फिर कलह क्यों हो गए, तो लड़ाई झगड़े क्यों हो गए, अलग अलग। देवराज का एक ही संकल्प है, परिवार को सुखी बनाना है। उन्होंने अनेकों परिवार को दुखी बनाया इसलिए कि परिवार को सुखी बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अत्यंत पापी, सामान बेचने के उद्देश्य से वो प्रयाग की ओर चला, झूसी, वहां पर अभी भी है झूसी प्रयाग। वहां पहुंचा एक मंदिर में, कमरे थे, ठहर गए, वहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी। शिव पुराण की कथा हो रही थी। संयोग की बात, बुखार आ गई उसको, और बुखार आई क्या, अब कहीं जा ही नहीं सकता, बुखार का पड़ा। शब्द कान में आ रहा है, कथा चल रही है, वो शब्द कान में, वो श्रद्धा से कथा सुनने नहीं बैठा ना, वो तो व्यापार के उद्देश्य आया, बीमार हो गया, पड़ा है, शब्द कान में पड़ रहे थे। एक महीने बाद, शायद यही श्रावण का महीना रहा होगा, उसके प्राण निकल गए। यम के दूत आए और पकड़ के जब चलने लगे तो भगवान शंकर के गण पहुंच गए। मैंने कहा छोड़ो, ये तो महापापी है। नहीं नहीं, अंत में इसने शिव पुराण सुन लिया, उसके बाद कोई पाप हुआ नहीं, इसलिए सीधे शिवलोक जाएगा। खींचातानी मच गई, देव यम के दूत अपनी तरफ खींच रहे, अपनी तरफ खींच रहे, शोर मचा। यमराज जी बाहर आए, ज्ञान दृष्टि से देख लिया, अपने दूतों से कहा छोड़ो, छोड़ दिया। भगवान शंकर को हमारा प्रणाम कहिएगा, हमारे दूतों से अपराध हुआ उसे क्षमा कर देंगे। जिसके कानों से शिव पुराण अंदर चला गया, क्योंकि शिव पुराण साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, ये क्या समझे, और भगवान शंकर ने ही लिखा है। शिव पुराण के लेखक भगवान भूत भावन विश्वनाथ शंकर। और अभी आपने सुना कि ब्रह्मा लिख के कुछ भी भेज दें, जो शरण में आ गया उसका उद्धार कर देते हैं। जो शिव पुराण पढ़ेगा, जो शिव पुराण सुनेगा, जो प्रणाम करेगा, भगवान शंकर उसको अपने यहां बुला लेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।